हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए प्रॉफिट मतलब भाई रिजल्ट का सीजन आ गया। यही है, कोई प्रॉफिट तो कोई लॉस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जबरदस्त प्रॉफिटेबल कंपनीज, जबरदस्त प्रॉफिटेबल शेयर्स। अब यहीं पे आप लगा लीजिए कि 4 गुना बढ़ गया है प्रॉफिट, 1432 करोड़ का प्रॉफिट दिखा है इस बार इस क्वार्टर में, बहुत ही बेहतरीन। अब ये स्टॉक आप सोचोगे भैया 4 गुना बढ़ा है तो स्मॉल कैप सेगमेंट से होगा, जी नहीं, लार्ज कैप सेगमेंट से शेयर है। अब लार्ज कैप सेगमेंट का ये शेयर तो है, लेकिन कौन सा है? चलो रिजल्ट दिखाइए, टेक्निकल बताइए, फंडामेंटल दिखाइए, तो सारी चीजें देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। देखिए स्टार्ट करता हूँ फंडामेंटल से। मार्केट कैपिटलाइजेशन 90,000 करोड़। हाँ भाई, जेन्युइन लार्ज कैप सेगमेंट है, 90,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये तो बड़ा शेयर है। करंट प्राइस 1500 की रेंज में, चलिए भाई ठीक है। बुक वैल्यू 395, पी रेशियो 27 के आसपास है, हर 27 रुपये पे 1 रुपये कमाता है। अर्निंग पर शेयर 54-55 रुपये के आसपास, चलिए ये भी ठीक है। और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बहुत ही बढ़िया, 21% की, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, 21% की सेल्स ग्रोथ, चलिए ठीक है। अब नाम भी जान लेते हैं स्टॉक का कौन सा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडसइंड बैंक लिमिटेड, यानी कि प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक इंडसइंड बैंक। अब आप सोचेंगे भाई इंडसइंड बैंक इतना बड़ा प्रॉफिट, तो चलिए रिजल्ट देखते हैं एंड टू एंड। अगर आप रिजल्ट की यहाँ पे बात करते हैं हम, तो आप क्लियरली देखिए यहाँ पे रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल इनकम जो 7,550 करोड़ थी वो 8,624 करोड़ हो गए। ये पिछले क्वार्टर से, यानी कि मार्च क्वार्टर से कंपैरिजन हो रहा है। आप देखिए मार्च क्वार्टर से जब कंपैरिजन कर रहे हो तो टोटल इनकम 14% बढ़ी है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो 360 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, इस बार 1432 करोड़ हुआ। अब जब आप इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो आपको निकलेगा ऑलमोस्ट 4 गुने के आसपास ये प्रॉफिट देखने को मिलेगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया, 4 गुना प्रॉफिट, बहुत ही बेहतरीन। अर्निंग पर शेयर जो 6 रुपये के आसपास थी वो 21 रुपये के आसपास जा चुकी है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ये तो क्वार्टर बेसिस पे हो गया, लेकिन अब देखते हैं हम पिछले साल, यानी कि जून क्वार्टर के कंपैरिजन में। अब पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो 1,035 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के ये गया है 1,432 करोड़ पे, तो यहाँ पे भी 40% का जंप देखने को मिला है। और टोटल इनकम में जो जंप है वो 35% के आसपास है, तो ओवरऑल बढ़िया जंप मैं कहूँगा। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली, लेकिन आज की डेट में अगर स्टॉक का प्राइस देखोगे तो 1509 के आसपास है, आज की डेट में भी 2% गिरावट के साथ बंद हुआ। और ये रिजल्ट दिन में ही आ गया था, मार्केट आवर्स में आने के बाद भी ये 2% नीचे बंद हुआ, भाई कैसा? चलिए ये हम देखेंगे टेक्निकल से। अगर मैं आपको इस स्टॉक के डिटेल दिखाऊं तो बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले साल जो जुलाई के बाद ये शेयर धराशायी हो गया। ये शेयर 2100 2000 के लेवल से नीचे गिरता गिरता इसने अपना बॉटम ढूंढा, 1300 1350 के रेंज में बॉटम ढूंढने के बाद वहां से वापस जरूर गया। ये देखिए वहां से वापस जाने के बाद थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा और रिकवरी देखने को मिली, 1800 के लेवल तक जरूर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से फिर नीचे आया। अब तो इसने बॉटम जो इसने 1340 के आसपास का बनाया था दोबारा वहीं तक आया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा तीसरी बार यहीं तक आया, तो अब तक 3 बार इस बॉटम को टच कर चुका है। अब रिकवरी जरूर होगी इस 1340-50 के लेवल से स्टॉक की, लेकिन आज का अगर आप सिंगल डे का चार्ट देखते हो तो आप खुद देखिए कि किस तरीके से इसमें गिरावट आई थी आज की डेट में। जैसे ही रिजल्ट आया था उसके बाद इसमें गिरावट आई थी, फिर थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन रिजल्ट लोगों को लगता है अच्छा नहीं लगा। अब वो अच्छा नहीं लगा तो जरूर उसके पीछे भी कोई रीजन है कि वो क्यों अच्छा नहीं लगा, तो वो भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब अच्छा नहीं लगा तो हम जान रहे हैं। अगर मैं यहीं पे इंडसइंड बैंक की आपको डिटेल दिखाऊं, कुछ डिटेल दिखाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे आप देखिए मैं बात कर रहा हूँ ग्रॉस एनपीए की, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। ये इसका जो अगर आप देखें पिछले क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में जो इसने एनपीए दिखाया है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया है। ग्रॉस एनपीए देखिए बढ़ता बढ़ता 2.10% हो गया, अचानक इतना बढ़ गया ग्रॉस एनपीए। और बैंक सेक्टर के लिए जब आप डेट वेट देखते हो ना तो उसको भूल जाइए, एनपीए देखिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं। तो देखिए ये बढ़ता है तो ये नेगेटिव होता है जब ये बढ़ता है तो, और यहाँ पे आज की डेट में इंडसइंड बैंक का जो नेट एनपीए है वो बढ़ता बढ़ता और बढ़ गया और 2.15% पहुँच गया। तो आप खुद देखिए यहाँ पे जब ये 2.15% पहुँच गया
बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि इन्वेस्टर ये डरते हैं इस चीज़ों से, और डरना भी चाहिए क्योंकि ये उस स्टॉक के बारे में नेगेटिविटी दिखा रहा है आपको। तो ये हमने देखा यहाँ पे इंडसइंड बैंक का रिजल्ट दिखाया, उसका नेट एनपीए दिखा, आपको कारण बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपकी राय इस स्टॉक के बारे में जरूर बताएं कमेंट के थ्रू। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।